नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप और आप देख रहे हैं HD ब्लॉग्स। तो आज लेकर आए हैं और एक अनबॉक्सिंग आप लोगों के लिए, जो है सैमसंग J4। वो मेरे को एक ऑफिस से गिफ्ट मिला है, उसका ही अनबॉक्सिंग करूंगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं। जो J4 मेरे को दिया गया था वो दुकान से परचेस किया है, इसीलिए तो दुकानदारों ने पहले ही अनबॉक्सिंग कर दिया था, पर मेरे लिए फर्स्ट अनबॉक्सिंग यही होगा। तो देख लीजिए क्या है अनबॉक्सिंग के लिए। ये है वो J4 सैमसंग गैलेक्सी J4, इसका ही अनबॉक्सिंग करूँगा। एक पिंक कलर का छोटा सा ही बॉक्स है, चलिए देख लेते हैं। ये है आप लोगों के सामने सैमसंग गैलेक्सी J4। इसके साइट पे लिखा है इसका प्राइस एंड बॉक्स के अंदर क्या क्या है। इसके अंदर वन फ़ोन, वन अडाप्टर, वन रिमूवेबल बैटरी, वन हेडफोन एंड वन यूज़र मैनुअल दिया हुआ है। इसका MRP लगभग 12,900 रुपया के है। मार्केट पे ये आपको 12,000 के आसपास मिल जाएगा। इंडियन सिम कार्ड ओनली, मतलब आप इसको इंडिया के बाहर नहीं ले जा सकते। इस बॉक्स के बैक साइड पे लिखा हुआ है कि मेक फॉर इंडिया का लोगो डुओ सिक्योर्ड बाय नॉक्स। इस डिवाइस में आपको 3GB रैम, 3000mAh का बैटरी, रियर 13MP फ्रंट 5MP कैमरा, 32GB इंटरनल मेमोरी। चलिए इसको खोलते हैं। शॉपकीपर वालों ने इसका ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा दिया है, ये ब्लू कलर का है। फ़ोन काफ़ी अच्छे लग रहा है। बॉक्स के अंदर वारंटी कार्ड, कुछ और पेपर दिया हुआ है। ये है इसका यूज़र मैनुअल, आप पढ़ सकता है। ये देखिए 1.0 MP आउटपुट वाला पावर अडाप्टर, जो मोबाइल के फास्ट चार्ज करने में हेल्प करता है। ये है USB माइक्रो USB केबल। इसके साथ है गैलेक्सी का ऑर्डिनरी हेडफोन, जो सैमसंग में हर फोन में आता है। चलिए फ़ोन को ऑन करते हैं। जब तक फ़ोन ऑन नहीं हो जाते तब तक के लिए बात करते हैं इसका कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। इस फ़ोन पे आपको मिलेगा 5.5 इंच HD डिस्प्ले, एक्सनॉस 7570 CPU, एंड्रॉयड 8.0 कर्नल वर्सन, 1.4 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर, डुअल सिम, मेमोरी कार्ड स्लॉट एंड बहुत कुछ। तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, तो मैंने 2 मिनट यूज़ करके उसके बाद मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ। फ़ोन तो काफ़ी अच्छा है, तो इसका टच आप लोग देख रहे हैं कितना स्मूथ है। तो इसका जो फोटो पिक्चर क्वालिटी है वो आप लोगों को दो एक पिक्चर सैंपल खींचने के बाद आप लोगों को अपलोड कर देंगे, तो आप लोग को पिक्चर का भी पता चल चुका होगा कि पिक्चर क्वालिटी कैसा है। तो चलिए बात करते हैं इस फ़ोन की कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ये कर्नल वर्सन दिया है जो एंड्रॉयड का, और 32GB इसका इंटरनल मेमोरी है। आप टू इसको 256GB तक आपको इसमें मेमोरी कार्ड डाल सकते। वोल्टी फ़ोन है तो दोनों स्लॉट ही 4G सिम को काम करेंगे ये। और मेरे को जो गिफ्ट दिया है ये, उसके साथ एक फ्री में स्क्रीन बैक कवर भी दिया है जो ट्रांसपेरेंट है। अभी तक तो इसमें लगाया नहीं, कुछ देर बाद वो लगा देंगे। तो इसका भी कुछ प्राइस लगभग 250 रुपये के आसपास है। तो बिल भी देख लीजिए एक बार, ये करीब आप लोगों को 12,000 के अंदर ही मिल जाएगा। फ़ोन के साइड पे आपको पावर की दिया हुआ है, उसका ऑपोजिट साइड पे वॉल्यूम की अप डाउन के लिए, मिडिल पे ये होम की, ऊपर का सैमसंग ब्रांडिंग, उसके ऊपर फ्लैश विथ 5 MP कैमरा, पीछे में 13 MP कैमरा विथ फ्लैश, मेन स्पीकर, उसके नीचे सैमसंग का ब्रांडिंग दिया हुआ है। फ़ोन के नीचे के भाग में USB चार्जिंग केबल पॉइंट, 3.5 mm ऑडियो जैक, इंटरनल माइक का ऑप्शन दिया हुआ है। इस फ़ोन का कुछ डिसएडवांटेज भी है, इसमें आप फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी ऑप्शन, फेस अनलॉक का सुविधा आपको नहीं मिलेगा।
फ्रंट पे 5 मेगापिक्सल कैमरा थोड़ा डिसअपॉइंटेड किया है मेरे को। इस पे नोटिफिकेशन का लाइट भी नहीं है, गोरिल्ला ग्लास भी नहीं दे रहा है। इसके रेंज पे आप कोई और सेट में लेंगे अदर कंपनी का तो उसमें इससे ज़्यादा फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। ये मेरा थोड़ा पर्सनल ओपिनियन है, आपको ये अच्छे लग सकते हैं तो ठीक है, जो भी है देखा जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले नए ब्लॉग के साथ, थैंक यू, गुड बाय।